थ्री टायर स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस एट द रूरल लेवल ग्राम पंचायत तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ईच ऑर्गेनाइजेशन इज म्यूचुअली जॉइंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एट ऑल द लेवल्स ऑफ योर पंचायती राज इन ऑर्डर दैट द लोकल डेवलपमेंटल टास्क स्कीम्स एंड वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स आर कैरिड आउट एफिशिएंटली दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रोवाइडेड विद रिक्वायर्ड फंड्स एंड मीन्स। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो है वो पूरा किस तरह काम चलता है वो इसमें हमें समझाया गया है। पहले तो एक पूरी कमेटी बनाई जाती है उनको, फिर बजट और ये सब भी दिया जाता है, वो बजट किस काम के लिए है, क्या स्कीम है, क्या वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स है, वो सारा इसके अंदर पूरा ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। देर इज़ अ चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड वेरियस चेयरमैन ऑफ वेरियस कमिटीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत वेर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इज़ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर एंड द मेन ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज सिचुएटेड एट द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर। Similarly, the leader of the elected wing of the Taluka Panchayat is called the president and the head of the administrative wing is called Taluka Development Officer, short में TDO। ठीक है, तो ये क्या है कि सारे पोस्ट है उसके नाम है, थोड़ा लेंथी हो रहा है लेकिन हमें इंफॉर्मेशन को समझनी चाहिए। ठीक है, एट द लोअर लेवल सरपंच इज़ द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। सरपंच जो है वो लोगों के द्वारा चुना गया इंसान होता है। And the administrative head is the Talati cum minister and he handles the administration of the panchayat. तो पंचायत का जो लिखाई पढ़ाई का जो काम होता है वो सारा काम का जो है तलाटी कम मिनिस्टर देखते हैं। द विलेज इन विच द इलेक्शन एंड द सरपंच आर यूनैनिमसली इलेक्टेड आर डिक्लेयर्ड एज साम्रस विलेज एंड इट इज़ ऑनर्ड बाय अ प्राइज। और जहाँ पे जिस गाँव में इलेक्शन और सरपंच जो है यूनैनिमसली इलेक्ट कर लिए जाते हैं तो उसे समरस विलेज कहते हैं और उसे प्राइस भी दिया जाता है, क्योंकि कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ना हो, शांति से काम चले, उसे ज़्यादा क्या चाहिए। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम पॉइंट वाइज देखेंगे तो सेकंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव टू टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, उसके अंदर है गवर्नर, उसके बाद चीफ मिनिस्टर और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद सेक्रेटेरिएट, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर के अंदर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, फिर उसके अंदर रूरल लेवल पर होते पंचायत राज, उसके बाद पंचायत राज के अंदर जो के रिप्रेजेंटेटिव होते सरपंच और जो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद होते प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, और इस तरफ देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ऑफिसर्स एट रूरल लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉई, ठीक है। तो ये फिगर्स में हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और फिर मेंबर्स, तो ये सारे हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत की तरफ, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर को DDO कहते हैं। फिर अगर तालुका पंचायत है तो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और उनके मेंबर्स होते हैं, काम काज की टीम है यानी पूरी, ठीक है, और उनके ऑफिसर को TDO कहते हैं। और जो सरपंच होते हैं उसके बाद डेप्यूटी सरपंच होते हैं और उसकी कमेटी को ग्राम पंचायत कहेंगे और उनका कामकाज जो है तलाटी का मिनिस्टर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है यानी कि कौन कौन काम करते हैं, ठीक है, और यहाँ राइट साइड में एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय यानी कि जो लिखाई पढ़ाई वाला काम करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन ज़रूरी होती है, स्कूल लिखाई पढ़ाई के जो है क्वालिफिकेशन ज़रूरी होते हैं, ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा, है ना। नाउ अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एज पर द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द अर्बन एरियाज वर प्रोवाइडेड विद द अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। तो उस एरिया के पॉपुलेशन के हिसाब से अर्बन इंस्टीट्यूशन को सेल्फ गवर्नेंस दिया जाता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से। एट द फर्स्ट लेवल देर इज़ म्यूनसिपैलिटी, एट द सेकंड लेवल देर इज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड द थर्ड लेवल देर इज़ महानगर मेगा सिटी निगम। इन ऑल द थ्री विंग्स ऑफ द अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस अ मेयर इज इलेक्टेड फ्रॉम द मेजोरिटी विंग। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर चेयरमैन ऑफ वेरियस कमिटीज एंड कॉरपोरेटर्स एज पर वेरियस वार्ड्स। वार्ड वाइज रिजर्वेशन फॉर वुमन इन रिजर्व कास्ट इज मेंटेन। तो हमारी जो म्यूनसिपैलिटी है ना उस हिसाब से आपको आइडिया आ सकता है, ठीक है ना। एक तो ये कि पूरा एक प्लेस है वहाँ पर, फिर धीरे धीरे एक के बाद एक पोस्ट दी गई है, ठीक है ना,
और उसके अंदर फिर रिजर्व सीट्स भी होती हैं। वेरियस कमिटीज़ कैरी आउट वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेनी फील्ड्स इन अ डिसेंट्रलाइज मैनर, सिटी प्लानिंग, लैंड रिफॉर्म, रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, वाटर मैनेजमेंट, सीवेज मैनेजमेंट, सिविल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल फैसिलिटी, फायर डिपार्टमेंट सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ, कल्चर एंड एंटरटेनमेंट, सिटीस्केप डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मॉल्स, क्रेमेटोरियम, ग्रेवियर्ड, रिमूवल ऑफ स्लम, ओवरऑल डेवलपमेंट एट्सेट्रा कैरीड आउट बाई द अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। तो सेल्फ गवर्नेंस ये सारा काम और सिटी के ये सारा हमारे रिलेटेड ही काम हुआ ना, हम सबको ये हर चीज़ का काम पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सारा जो है सेल्फ गवर्नेंस देखते हैं। ऑल आर मैनेज्ड बाय द फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम पीपल अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एज वेल एज द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो गवर्नमेंट की ग्रांट जो होती है वो, फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है वो, और जो टैक्सेस हम पे करते हैं, इस तरह से पूरा बजट जो होता है वो बनता है और वो बजट इस सारे काम पर खर्च होता है। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द प्रिंसिपल कॉर्पोरेशन इज नोन एज द म्यूनिसिपल कमिश्नर। अंडर हिम देर आर जोनल हेड्स हैविंग टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज एंड वेरियस ऑफिसर्स। व्हेन अ कॉर्डियल रिलेशन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द इलेक्टेड विंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विंग देन मेनी वर्क्स कैन बी कैरिड आउट रिलेटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप हर कोई पोस्ट पर है और हर कोई अपना अपना काम इस तरह करते हैं, ठीक है। बांट कर ही काम किया जा सकता है, एक ही इंसान पूरा खाएगा तो वो नहीं खा पाएगा, ठीक है। तो मिलजुल कर रहना है, मिलजुल कर काम करना है और इस तरह देश का विकास हो, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है जुडिशियरी। The Constitution of India has accepted the ideals that all its citizens should get social, economic and political justice. The Constitution जो है इंडिया का, हमारे इंडिया का, उसने एक्सेप्ट किया है कि the ideals के हर रहवासी को, हर भारतीय नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल इंसाफ मिलना ही चाहिए। thereby a just and equitable social order can be established. If any person breaks any law, then he is either punished or fined by the judiciary. तो अगर शांति बनाए रखने के लिए, इंसाफ बनाए रखने के लिए अगर कोई इंसान है जो इस चीज़ को तोड़ता है या मानता नहीं है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी कर सकते हैं, उसे पनिशमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। ये काम जो है जुडिशियरी करता है, यानी कि इंसाफ देना। द जुडिशियरी चेक्स वेदर द लॉज आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। जुडिशियरी देखता है कि जो कायदे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि फिर उससे उल्टे हैं। एंड इफ द लॉ इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इट डिक्लेयर द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड व्हाट। तो जुडिशियरी जो है ना, वो पूरा बना बनाया कायदा भी जो है वो उसको खारिज कर सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब का ना हुआ तो। इफ फेडरल सिस्टम पावर्स एंड फंक्शंस आर डिवाइडेड अमंग यूनिट स्टेट्स एंड सेंटर्स, इट इज़ द फंक्शन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम टू सी दैट बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैरी आउट देयर ओन वर्क विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर्स वर्क। तो एक दूसरे के काम में दखल दिए बिना हर कोई अपना अपना काम ठीक से करे, वो भी देखना है। When any disputes arises between the center and the unit state, then they are solved by the Supreme Court. तो अगर ये दो के बीच में कुछ मैटर होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे सॉल्व करता है। The Indian judiciary is continuous and linear. At the top, at the central level, there is the Supreme Court. At the middle, there is the state level, High Court. And the bottom level, there are trial courts, civil courts, criminal courts and various subordinate कोर्स। तो यहाँ पे जो है जुडिशरी सिस्टम में हमें मेन यही समझना है कि इंसाफ जो है वो हमें जुडिशरी सिस्टम से प्राप्त होगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर 10 ओवर। प्लीज़ लाइक ऑल द वीडियोस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।